Hello everyone, let's start with question number 33. So it says the sum of first n terms of an AP. First n terms of an AP whose first term is 8, common difference is 20 and is equal to the sum of first 2 n terms of another AP whose first term is minus 30 and common difference is 8. Find n. So, यहाँ पे दो एपी अलग अलग एपीज की बात हो रही है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं फॉर एपी वन. एपी वन के लिए हमारा ए क्या है 8 है, डी क्या है 20 है. फॉर एपी टू, एपी टू के लिए ए हमारा माइनस 30 है, डी हमारा 8 है. सो दिस इज गिवन टू अस. अब उन्होंने बोला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन टर्म्स इक्वल सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म्स एस टू एन डैश. सो अब एस एन को कैसे डिफाइन करते हैं, एन ओवर टू इन ब्रैकेट टू ए, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, प्लस एन माइनस वन डी, डी एस 20 इन ब्रैकेट इक्वल्स एस डैश टू एन, टू एन ओवर टू इन ब्रैकेट टू इंटू ए, ए अब सेकेंड एपी का लेना दैट इज माइनस 30 प्लस 2n माइनस 1 डी, डी की वैल्यू 8. अब देखो 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, आपके पास बचा 16 प्लस 20n माइनस 20, दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं, 2 इंटू माइनस 30 इज माइनस 60, 8 को 2n से करो इट विल बी 16n माइनस 8. तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा, 16 माइनस 20 दैट इज माइनस 4 इक्वल 2 को 60 से करो यू विल गेट माइनस 120, 2 को 16n से करो यू विल गेट 32n, 2 को 8 से करो यू विल गेट माइनस 60. अब हमारे पास लेफ्ट ओवर क्या बचा है, n वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और सिंगल टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, सो यू विल गेट माइनस 120 माइनस 16 प्लस 4, 20n माइनस 32n कितना हो गया माइनस 12n. अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं यू विल गेट माइनस 132. अब n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 132 ओवर 12, सो यू विल गेट योर आंसर एज 11, n एज 11, मतलब द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n हियर इज 11. So that's your answer for question number 33. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching this video.